कुछ राज्यों में बारिश और ओस से कम होने की वजह से धान रखा रखा है। ऐसे में घरेलू सप्लाई को बढ़ाने के लिए सरकार ने टूटे चावल के निर्यात पर सितंबर में रोक लगा दी थी। अन्य किस्मों पर निर्यात कर 20% कर दिया। उबले चावल और बासमती को इस निर्यात कर से बाहर रखा है, इसलिए बासमती धान के भाव इस बार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अरब और यूरोपीय देश में भी इस वैरायटी की डिमांड बढ़ी है। मध्य प्रदेश की धान की सबसे बड़ी 3 मंडियों में बासमती के उच्चतम भाव 4,500 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास चल रहे हैं, जबकि 2021 में 3,600 रुपए प्रति क्विंटल तक थे। राजस्थान की सबसे बड़ी निवारती मंडी बूंदी में धान 4,200 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रही है। मध्य प्रदेश के इटारसी मंडी व्यापारी पंकज अग्रवाल बताते हैं कि बासमती की वैरायटी अब और यूरोप भेजी जा रही है। ग्वालियर संभाग की डबरा से अब तक 7.5 लाख टन बासमती चावल निर्यात हो चुका है, जबकि पिछले साल 6.5 लाख क्विंटल था। कुनवाहार्ती मंडी के धान व्यापारी राजेश तपरिया का कहना है कि सऊदी अरब और ईरान निर्यात के मेगा बायर है। इनसे अक्टूबर में एक्सपोर्ट के सौदे हुए थे। 2 से 2.5 लाख टन की डिमांड थी। फरवरी में फिर से अरब देशों में डिमांड शुरू होगी।